हेलो माय लवली स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल दिस इज मानसी अरे एक मिनट यार जब भी मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ हेलो माय लवली स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल मुझे कमेंट सेक्शन में बताया तो तो बताया तो दिया करो कैसे हो सो हेलो माय लवली स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल दिस इज मानसी आई एम वेरी वेल एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज टू ठीक है सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है डिटरमाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोम अभी तक तो हमें क्लियर दे रखा था कि एक्स की वैल्यू वन है या माइनस वन है या जीरो है टू थ्री फोर जो भी वैल्यूज दे रखी थी एंड उसके हम निकालो या तो आपको बता दे कि बताओ वो जीरो है या नहीं या एक्स की वैल्यू निकालो अब ये फैक्टर का क्या मतलब है जब भी ऐसा देखो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं अगर आपको गिवन है कि एक्स प्लस वन एक फैक्टर है इसको जरा जीरो के इक्वल रखना क्या आएगा बेटा हमारे पास आएगा माइनस वन सो दैट मीन्स अगर x प्लस वन आपको बोल दिया कि ये फैक्टर है भाई तो दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस वन एक्स की वैल्यू हो गई ठीक है दोबारा से एक बार बता देती हूँ जब भी आपको ऐसे दे रखा हो कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसको हम जीरो के इक्वल रख के अपनी x की वैल्यू निकाल देंगे जैसे इस केस में हमारे पास है x प्लस वन सो यहाँ से अगर ये जीरो होगा तो x मेरा हो जाएगा माइनस वन सो सिंपल हो गया अब हमें क्या करना है यहाँ पे बस x की वैल्यू माइनस वन पुट करनी है अगर आंसर आपका जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि x प्लस वन एक फैक्टर है और आंसर अगर जीरो नहीं आता तो हम कहेंगे भाई x प्लस वन कोई फैक्टर नहीं है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे इसको इधर कर लेते थोड़ा सा हम्म सो वी हैव अब हमें क्या करना है माइनस वन पुट करना है सो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन जब भी बेटा आपको लगे पॉलिनाम लंबा होता जा रहा है हमेशा अपनी कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है प्लस माइनस की गलती ले डूबती है ठीक है सो माइनस वन का क्यूब माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन 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 ठीक है आंसर तो नंबर तो वन ही आएगा लेकिन साइन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस वन आएगा ये हो गया माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है देन प्लस माइनस माइनस वन देन प्लस वन अब देखो माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया माइनस वन प्लस वन पूरा ही जीरो हो गया अब अगर ये जीरो आया तो हम क्या कहेंगे एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल दूसरे पे चलते हैं अगेन माइनस वन पुट कर रहे हैं हम देन प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन इधर ले आते इसको थोड़ा सा सो नाउ वी हैव बेटा माइनस वन को फोर टाइम्स नंबर तो देखो वन ही आने साइन देख लो एक दो तीन चार बार माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 तो फाइनल साइन क्या आया हमारे पास प्लस का तो ये पॉजिटिव है प्लस माइनस वन का क्यूब अभी हमने देखा था भाई नेगेटिव होता है तो माइनस वन आएगा देन का स्क्वायर पॉजिटिव होगा मतलब प्लस वन आएगा देन वी हैव माइनस वन देन वी हैव प्लस वन अब देखो प्लस वन माइनस वन जीरो प्लस वन माइनस वन जीरो क्या बचा हमारे पास वन आंसर बचा जीरो आंसर नहीं आया मतलब एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिमिल ठीक है क्लियर है चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं फिर अगेन वैल्यू क्या रखनी है बच्चे माइनस वन सो ये हो गया माइनस वन रेज टू दावर फोर प्लस थ्री इन टू माइनस वन रेज टू दावर थ्री प्लस थ्री एक्स की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन ठीक है यहाँ दो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है नाउ इसको सॉल्व करते बेटा माइनस वन रेज टू दी पावर फोर अभी हमने किया था चार बार अगर आपके पास है सो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 अगेन प्लस ठीक है सो फोर टाइम्स है तो ये वन आ गए आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे स्क्वायर था इवन था पॉजिटिव हो गया बट यार रट्टेफिकेशन मत करना ये मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि उसमें रट्टा कभी कभी लगाते हो रट्टा उल्टा लग जाता है कि अब ऑड होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा इवन होगा तो इसलिए रट्टेफिकेशन में मत जाओ मैथ्स में अगर जिसमें छोटी छोटी चीजें करनी है ना कोई फर्क नहीं पड़ता करके देख लो ठीक है चलो ये आ गया हमारे पास वन देन वी हैव प्लस थ्री एंड ये क्या होगा माइनस वन का क्यूब है नेगेटिव ही आएगा माइनस वन प्लस अगेन माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव वन थ्री वन जी ये तो कैंसिल ही हो जाएगा यही लिख कर दो इसको यहीं से कैंसिल कर दिया ये आ गया वन थ्री वन जी प्लस माइनस माइनस प्लस थ्री ये दोनों कैंसिल हो गया वन आंसर आया तो मतलब x प्लस वन था ना हमारे पास x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस क्योंकि आंसर जीरो नहीं आया नेक्स्ट पार्ट पे बेटा चलते हैं इसमें अगेन वैल्यूज लिख लो माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस जरा इसको इधर कर लेते हैं ये रहेगा टू प्लस रूट टू एक्स की जगह माइनस वन देन प्लस रूट टू सो क्या आएगा माइनस वन का क्यूब बेटा माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ये हमारे साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई अभी अंदर वाला इज छोड़ दो वन से ही मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस तो अब साइन प्लस का आएगा तो ये हो गया टू प्लस रूट टू एंड यहाँ पे वी हैव अगेन प्लस रूट टू ठीक है अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा माइनस 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 टू हो गया प्लस टू अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करोगे टू रूट टू आ जाएगा ये दोनों तो चलो कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया टू रूट टू अगेन आंसर जीरो नहीं आया दैट मीन्स एक्स प्लस वन इसका भी फैक्टर नहीं है ठीक है बेटा आगे बढ़ जाते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स ठीक है जी एक्स हमारा ये है जैसे यहाँ पे पूछा है कि आप बताओ x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं क्या करेंगे सिंपल सेम तरीका x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एक्स मतलब माइनस वन सो x की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे अगर आंसर जीरो आता है तो वो फैक्टर है अगर आंसर जीरो नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं है चलो इसको थोड़ा सा पहले ही ऊपर कर लेते हम ताकि स्पेस मिल जाए अब देखो बच्चे क्या करना है एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करनी है तो ये हो गया टू एक्स की जगह माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन माइनस वन ठीक है क्या किया मैंने सिर्फ एक्स की जगह पे माइनस वन लिखा है ये हो गया टू माइनस वन का क्यूब बच्चे माइनस वन होता है माइनस वन का स्क्वायर बच्चे प्लस वन होता है माइनस माइनस प्लस टू वन ज टू माइनस वन ठीक है यहाँ तक सो टू वन ज टू माइनस का देन प्लस वन प्लस टू माइनस वन प्लस वन से माइनस वन कट गया माइनस टू से प्लस टू कट गया आंसर जीरो आ गया मतलब एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है भाई है बिल्कुल है ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे हमसे पूछा है बेटा x प्लस टू इस परिणाम का फैक्टर है या नहीं so, सो x प्लस टू का मतलब है x हमारा माइनस टू तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे सो वी हैव माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री एक्स की वैल्यू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स की वैल्यू माइनस टू प्लस वन ठीक है बच्चे चलो माइनस टू का क्यूब टू का क्यूब क्या होता है बेटा एट होता है अब साइन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तीन बार माइनस है ना माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस एट आएगा देन वी हैव प्लस थ्री सात में टू का स्क्वायर फोर और माइनस माइनस प्लस तो पॉजिटिव फोर देन वी हैव थ्री टू जर सिक्स प्लस माइनस माइनस प्लस वन वी हैव माइनस एट प्लस फोर थ्री जुवेल्व माइनस सिक्स प्लस वन जीरो तो आता हुआ नहीं दिख रहा मेरे को एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टी नहीं यार हो भी सकता एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन सो ये आ गया माइनस फोर्टीन एंड ये आ गया प्लस थर्टीन ओहो एक नंबर से रह गया प्लस माइनस माइनस आंसर आया माइनस वन जीरो नहीं है So, ये इसका फैक्टर नहीं है बच्चे नेक्स्ट लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स ये है एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री बोले तो एक्स हमारा थ्री होगा ठीक है चलो एक्स की वैल्यू थ्री पुट कर दो ये हो गया थ्री का क्यूब माइनस फोर थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री देन वी हैव एक्स की जगह लिख दिया और ये आ गया प्लस सिक्स चलो थ्री का क्यूब बेटा थ्री थ्री जा नाइन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री ज नाइन प्लस थ्री प्लस सिक्स तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन फोर ज थर्टी सिक्स प्लस थ्री प्लस नाइन सो ये तो हो जाएगा पहले सारे पॉजिटिव वाले कर लेते ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फोर थर्टी सिक्स सो ये आया थर्टी सिक्स और यहाँ पे माइनस थर्टी सिक्स ही है तो ये तो आ गया जीरो दैट मीन्स एक्स माइनस थ्री इसका फैक्टर है ठीक है बेटा क्लियर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सो यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है अगर एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है एक्स माइनस वन मतलब एक्स की वैल्यू प्लस वन क्या रहा है सिंपल एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल रखा है सो so, एक्स की वैल्यू तो चलो हमें यहाँ पे गिवन है अब अगर मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और ये पता है कि ये फैक्टर है तो एक चीज़ और हो गई कि मेरा पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल्स टू जीरो है अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू वन पुट करती हूँ तो आंसर ज़ीरो आएगा विच मीन्स एक्स की जगह वन का स्क्वायर x की जगह वन प्लस के अब ये मुझे अगर जीरो पता है बच्चे तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन में क्या बचा सिर्फ के ही तो बचा तो हम के की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं चलो सो so, स्टार्ट करते हैं ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस के इक्वल्स टू जीरो वन प्लस वन इज टू प्लस के इक्वल्स टू जीरो के हमारा हो जाएगा बेटा टू को उधर भेज दो माइनस टू तो के की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू आ गई नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अगेन बेटा अगर हम एक्स की वैल्यू वन रखते हैं तो ये इक्वेशन जीरो के मतलब ये पॉलिनोम जीरो के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टू एक्स की जगह वन का स्क्वायर प्लस के अगेन एक्स की जगह वन प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे हो जाएगा वन का स्क्वायर वन टू वन जो टू प्लस के इन टू तो ये हो जाएगा के यहाँ पे क्या है बेटा टू पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव माइनस टू हो जाएगा इसी तरीके से यहाँ पे प्लस रूट टू है उधर जाके माइनस रूट टू हो जाएगा आप ऐसे भी लिख सकते हो या माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा टू माइनस रूट टू या रूट टू माइनस टू एक ही तरह एक ही एक ही तरीके से आएगा एक मिनट माइनस नहीं आएगा जब हमने कॉमन ले लिया तो वो प्लस हो जाएगा सो तो आंसर ये भी हो सकता है या इसको आप रूट टू प्लस टू लिख दो तब भी आंसर ये भी हो सकता है ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे थर्ड पार्ट में है अगेन हमें पता है कि अगर हम एक्स की वैल्यू वन रख रहे हैं तो आंसर ज़ीरो आएगा सो so, ये हो जाएगा के इंटू एक्स की जगह वन का स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स की जगह वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो है सो so, ये हो गया बेटा के प्लस रूट टू प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो सो ये हमारा हो गया के इक्वल्स टू रूट टू को उधर भेजेंगे माइनस रूट टू एंड प्लस वन को भेजेंगे माइनस वन अगेन माइनस कॉमन ले लोगे तो रूट टू प्लस वन बच जाएगा तो ये आगे हमारी के की वैल्यू ठीक है बेटा आगे बढ़ जाते हैं फोर्थ पार्ट में अगेन भाई अगर हम एक्स की जगह वन रखेंगे तो वो इक्वल्स टू तो जीरो होगा तो ये हो गया एक्स की जगह वन का स्क्वायर माइनस थ्री वन प्लस के अब यहाँ पे दो के हैं ठीक है तो वैल्यू निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इक्वल्स टू जीरो रख दो ये हो गया हमारे पास के वन का स्क्वायर वन इंटू वन करोगे के ही आएगा माइनस थ्री प्लस के इक्वल्स टू जीरो नव के प्लस के अब दोनों वेरिएबल है प्लस हो सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा टू के माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो सो ये हो गया टू के इक्वल्स टू उधर जाके पॉजिटिव थ्री हो जाएगा एंड के हमारा हो जाएगा बेटा टू मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड तो के की वैल्यू आ गई थ्री अपॉन ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो बेटा थर्ड पार्ट में है पी एक्स ये पूरा है अगेन हमें एक्स की वैल्यू क्या लेनी है एक्स की वैल्यू लेनी है वन सो एक्स की वैल्यू वन लेंगे ये हो जाएगा के एक्स की जगह वन लिखा वन का स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स की जगह वन प्लस वन और ये इक्वल है जीरो के ठीक है तो यहाँ जो इक्वल्स शू लगाया वो हटा देते हैं जरा सो so, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन सो के इंटू वन के आ गया हमारे पास माइनस रूट टू इंटू वन करोगे बेटा रूट टू आ जाएगा सिर्फ माइनस रूट टू उधर जाके प्लस रूट टू हो जाएगा तो के की वैल्यू आगे रूट टू माइनस वन आगे फोर्थ पार्ट बेट बेटा देखो एक्स की वैल्यू क्या रखनी है वन सो so ये आ गया के वन का स्क्वायर माइनस थ्री वन प्लस के इक्वल्स टू जीरो रख देंगे k की वैल्यू वन वन का स्क्वायर वन के जा k प्लस थ्री वनजा थ्री प्लस के इक्वल्स टू जीरो के प्लस के इज टू के माइनस थ्री इक्वल्स टू हो गया बच्चे जीरो के ठीक है इसको क्या हो गया आगे है हमारे पास माइनस थ्री को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टू के इक्वल्स टू प्लस थ्री टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सो so, के की वैल्यू आ गई थ्री अपॉन टू दिस इज दी Now let's get to the next question. Question है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अब जैसे ये हमारे पास नॉर्मल है इसमें अगर आपके पास टर्म इधर उधर ध्यान रखना है सबसे पहले एक्स स्क् वाली फिर एक्स रेस टू दी पावर वन वाली और फिर हमारा कॉन्स्टेंट तो इसी ऑर्डर में होना होता है अब हमें ये जो बीच वाली टर्म है इसको दो टर्म्स में स्प्लिट करना है अब वो स्प्लिट कैसे होगा इस तरीके से बेटा कि यहाँ जो दो नंबर्स लाए हैं ना उन दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए जैसे ट्वेल्व वन जर ट्व तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ट्वेल्व आए अब इस टर्म को स्प्लिट करे तो मेक श्योर करना है कि उसको प्लस या माइनस करके चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो माइनस सेवन आना चाहिए क्योंकि यहां पे साइन का भी ध्यान रखना है हमें ठीक है so, सो अब ऐसे पहले तो दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करके ट्वेल्व है कौन कौन से नंबर हो सकते हैं भाई सिक्स और टू हो सकता है सिक्स टू से ट्वेल्व होता है टू इंटू सिक्स ट्वेल्व होता है देन वी हैव ट्वेल्व फोर के टेबल में आता है फोर इंटू थ्री या थ्री इंटू फोर ठीक है ऐसे ट्वेल्व इन टू वन सो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई फोर और थ्री दो फैक्टर्स हैं उनको अगर मैं प्लस करूं फोर प्लस थ्री करे बच्चे तो हमारे पास आएगा सेवन तो मतलब नंबर्स तो मुझे मिल गए एक नंबर फोर एक नंबर थ्री फोर थ्री ट्वेल्व फोर प्लस थ्री सेवन अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है कि ये प्लस का ले या ये माइनस का ले या क्या करें तो पहले तो हमें ये देखना है भाई कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो फोर प्लस थ्री करेंगे तो सेवन आएगा अब भाई इस केस में आंसर में मुझे माइनस चाहिए तो बड़े वाले के साथ तो पक्का माइनस का साइन है अब अगर इसके साथ मैंने प्लस का साइन छोड़ दिया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस फोर में से थ्री गया वन ये तो हट गया भाई सेवन नहीं आ रहा तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे थ्री के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा फोर प्लस थ्री सेवन होगा और साइन किसका आएगा बड़े वाले का वो तो हमने पहले ही माइनस लिया था ठीक है समझ में आ गई मेरी बात चलो तो फैक्टर्स हमें मिल गए बच्चे माइनस फोर और माइनस थ्री आप कैसे लिखते हैं इसको लेट्स सी ये हटा देते हैं यहाँ से चलो भाई ये है हमारे पास ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस पहले लिखेंगे हम फोर एक्स देन माइनस थ्री एक्स प्लस वन यहाँ पे आपने देखा हमने क्या किया मिडल टर्म को दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग ठीक है चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अब सॉल्व करना कैसे है ऐसा तो है नहीं कि भाई इसको फिर से ऐसे लिख दोगे फिर तो कोई फायदा ही नहीं है सो so, अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है अब नंबर की अगर मैं बात करूँ ट्वेल्व और फोर में क्या कॉमन है फोर कॉमन है 12 होता है के टेबल में तो फोर आता ही है तो नंबर फोर कॉमन हो गया एंड इधर है x है इधर मतलब x भी कॉमन हो गया एक्सक्वा so, देखो जरा फोर एक्स अगर हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा ट्वेल्व में से फोर कॉमन हुआ है सो फोर थ्री जुवेल्व होता है तो ये हो जाएगा थ्री फोर थ्री जॉ ट्वेल्व हो जाएगा ना एंड एक्स स्क्वायर में से एक एक्स एक बाहर चला गया बेटा तो अंदर बचा ए एक एक्स एंड एक 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 एक, अब यहाँ पे देखो क्या होगा यहाँ पे माइनस -4x है तो पूरा ही 4x बाहर चला गया तो ये आ गया माइनस -1 अब हमें आगे इन दोनों जब इन दोनों टर्म्स पे जाएंगे तो हमें ब्रैकेट भाई अंदर का सेम चाहिए तो देखो जरा 3x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 ही कॉमन है अब यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि प्लस +1 कॉमन ले कि -1 कॉमन ले हमें अंदर ये पॉजिटिव चाहिए ये नेगेटिव चाहिए तो बाहर नेगेटिव साइन कॉमन लेना है मुझे पता है अभी ये पहले पार्ट में आपको लग रहा होगा इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है लेकिन बच्चे जब आप करते जाओगे ना क्वेश्चन आपको ये इतना इजी और सिंपल लगेगा ना विद इन सेकंड आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ठीक है अब है क्या अभी मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आप गलती करते यहां पे हो या यहाँ पर जाके अटकोगे कि यार यहाँ माइनस वन क्यों कॉमन लिया प्लस क्यों नहीं कॉमन लिया तो वो मिस्टेक्स आप पहले करो उससे पहले मैं आपको करेक्ट करते हुए चल रही हूँ कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहे ठीक है सो so, हमने इसमें से कॉमन ले लिया अब माइनस कॉमन चला गया हमारा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया बच्चे तो ये समझ लो इस, इस में हमने इसको कॉमन ले लिया ये हो गया थ्री एक्स माइनस वन अब यहाँ पे क्या बचा अब इस पूरे में से ये कॉमन चला गया बच्चा फोर एक्स देन यहाँ पे इस पूरे में से ये कॉमन चला गया बच्चा माइनस वन ठीक है सो so, ये आ गया थ्री एक्स माइनस वन और ये हमारे पास आ गया फोर एक्स माइनस वन सो दो फैक्टर्स गए, हमें सिर्फ एक्ट्राइज करना था तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे इसके आगे ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ अगर हमें यहाँ से x की टर्म्स निकालनी हो सो हम कर सकते हैं थ्री एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल रखो एंड फोर एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल रखो जो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यूज़ आएंगी वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हो गए जैसे अभी ये और ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं ठीक है समझ में आ गया चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं देखना वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो हर अलग पेज पे था अब ये यहीं पे ही आ गया इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पूरा इसको साइड कर देते हैं और हम आराम से इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक है सो आई राइट दिस अगेन सो वी हैव यहाँ पे लिख रही हूँ मैं सेकेंड पार्ट है भाई हमारा पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स का स्क्वायर देन वी हैव प्लस सेवन एक्स एंड प्लस थ्री चलो इसको ले आते हैं स्टार्ट करते हैं क्या करना है बेटा हमें इसमें yes, क्या करना है फैक्टराइज करना है अगेन सेवन एक्स है इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करके क्या थ्री टू झा सिक्स तो दो फैक्टर्स चाहिए जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिक्स आए प्लस या माइनस करेंगे तो सेवन आए तो बताओ भाई सामने सामने मेरे को तो दिख रहे हैं सिक्स वन जा सिक्स होता है सिक्स प्लस वन सेवन होता है वेरी इजी वेरी सिंपल सो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर अब यहाँ तो प्लस प्लस है तो प्लस माइनस का को कोई लफड़ा ही नहीं ये हो जाएगा सिंपल प्लस सिक्स एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू सॉरी प्लस थ्री सिक्स वन जिक्स एंड सिक्स प्लस एक्स सेवन एक्स ठीक है यहाँ कोई टेंशन नहीं है इसमें देखो स्टार्टिंग वाले दो में क्या कॉमन है टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स दोनों में टू कॉमन है यहाँ पे हमारे पास और साथ में एक्स भी तो कॉमन है सो so, पे हमारे पास क्या आएगा बेटा टू बाहर चला गया एक्स बाहर चला गया सिर्फ एक एक्स बच्चा प्लस एक्स यहाँ से टू कॉमन गया टू थ्री सिक्स होता है इसको ऐसे समझा करो जैसे टू थ्री झा so, इसमें से अगर टू कॉमन चला गया तो अंदर थ्री बचेगा ना बच्चे इस तरीके से समझना अगर कंफ्यूजन हो तो सो so, ये आ गया एक्स प्लस कहा गए हम हाँ यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x कॉमन चला गया सिक्स में से टू कॉमन चला गया बचा थ्री एंड ये हमारा हो गया प्लस अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाद हमें x प्लस थ्री चाहिए तो प्लस वन ही कॉमन लेंगे सो ये आ गया x प्लस थ्री ना हो हमारे पास x प्लस थ्री दोनों में कॉमन आ गया इस पार्ट में भी यहाँ पे भी कॉमन है तो यहाँ पे भी कॉमन मतलब इन दोनों में हमारे पास x प्लस थ्री कॉमन आ गया इधर बचा टू एक्स और इधर वाले में बचा प्लस वन सो ये आ गया एक्स प्लस थ्री और टू एक्स प्लस वन ये इसके फैक्टर्स हो गए ठीक है बच्चे आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स अब हमें अगेन फाइव एक्स को क्या करना है इसको हमें स्प्लिट करना है सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स तो मतलब मल्टीप्लाई करके थर्टी सिक्स आना चाहिए प्लस माइनस करके फाइव आना चाहिए सोचो 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 थर्टी सिक्स किस किस के टेबल में आते हैं टू के टेबल में अगर हम देखें तो एटीन मतलब एटीन टू जा होता है तो टू इंटू एटीन होगा ठीक है वो तो नहीं होगा ठीक है थ्री के टेबल में भी आ जाएगा ये होगा थ्री वन जा और टू जा आगे क्योंकि ट्वेल्व थ्री जा होता है अच्छा डायरेक्ट सो so, यहाँ पे भी ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे देन फोर के टेबल में आता है फोर नाइन जब देखो जरा नाइन में से फोर माइनस करोगे क्या आएगा फाइव आएगा मतलब फैक्टर्स क्या हो गए बच्चे फोर और नाइन ठीक है अब इसको स्टार्ट करते हैं एंड देन देखेंगे प्लस माइनस कैसे लगाना है ओके सो वी हैव सिक्स एक्स स्क्वायर अब दोनों में से बड़ा कौन सा है नाइन एक्स आंसर में प्लस फाइव एक्स है तो ये तो कन्फर्म है कि नाइन के साथ तो प्लस का साइन ही होगा अब अगर मैं फोर के साथ भी बेटा प्लस का साइन लगा दू तो ये क्या हो जाएगा प्लस 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 नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ये हो जाएगा थर्टीन एक्स मतलब गलत है इसका मतलब यहाँ साइन जो है वो मुझे लगाना पड़ेगा माइनस का जब मैं इसको माइनस फोर एक्स लिखूंगी तब आएगा प्लस माइनस माइनस नाइन में से फोर गया फाइव अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मैम इसको माइनस नाइन एक्स प्लस फोर एक्स लिखोगे तब भी तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस नाइन में से फोर गया फाइव ही आएगा लेकिन बच्चे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास बड़े वाले के साथ माइनस साइन माइनस फाइव आएगा इधर मुझे पॉजिटिव फाइव चाहिए इसलिए बड़े वाले के साथ प्लस का साइन छोटे वाले के साथ माइनस का साइन ठीक है यही छोटी छोटी गलतियां हमको नहीं करनी है ठीक है चलो आगे देखो यहाँ पे हो गया ये स्प्लिट हो गया साथ में बचा माइनस सिक्स अच्छा देखो अभी ना हम सिर्फ यहां पे देखते हैं बट ये भी देखना देखो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स तो बेसिकली यहां पे माइनस है तो माइनस थर्टी सिक्स तो दोनों में से जब एक नेगेटिव है फोर नेगेटिव है वैसे हमारा एक नेगेटिव है तभी वो माइनस थर्टी सिक्स आएगा लेकिन अगर आप इस पर भी कॉन्सेंट्रेट करके करोगे तो अपने आप सही ही आंसर आएगा चलो अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है थ्री कॉमन है एक्स कॉमन है अब इसमें से थ्री चला गया सिक्स को स्प्लिट करो जरा टू जा सिक्स होता है थ्री बाहर चला गया बचा टू एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर चला गया एक एक्स बच गया प्लस नाइन में से थ्री कॉमन गया तो थ्री थ्री जा नाइन होता है तो यहाँ पे बचा थ्री और एक्स तो बाहर चला गया अब फोर और सिक्स में भी हमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या कॉमन मिल रहा है टू कॉमन मिल रहा है तो देखो जरा यहाँ पे क्या होगा एंड ऑल्सो माइनस का साइन भी कॉमन ले लेंगे एक तो अंदर प्लस चाहिए हमें और दिख भी रहा है है माइनस कॉमन ना सो so, अब भैया फोर में से आपने टू कॉमन ले लिया टू टू झा फोर होता है एक टू बाहर चला गया अंदर बचा टू एक्स अब सिक्स में से टू कॉमन ले लिया थ्री टू झा सिक्स होता है टू बाहर चला गया अंदर बचा थ्री ठीक है अब देखो ब्रैकेट हमारे सॉरी प्लस का साइन प्लस का साइन क्यों आया है बच्चे प्लस का साइन इसलिए है क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर तो प्लस ही बचा ना और ये पता कैसे चला मेरे को क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा ब्रैकेट अलग कैसे हो गए सो so कभी कभी गलती हो जाती है ठीक है तो इन गलतियों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर हो भी जाए तो ऐसे ही पटाख से पकड़ लो ठीक है चलो अब आ जाते हैं बेटा ये हमारा कॉमन आ गया टू एक्स प्लस थ्री अब इस पूरे में यहाँ पे बचा थ्री एक्स एंड यहाँ पे इस पूरे में बचा माइनस टू तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स ठीक है इजी था सिंपल था आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर फैक्टर्स हमें स्प्लिट किस को करना है एक्स को स्प्लिट करना है मतलब सिर्फ वन है और ये देखो जरा फोर थ्री जा ट्वेल्व ऐसे कौन से हमारे पास फैक्टर्स है जिनको मल्टीप्लाई करेगी तो ट्वेल्व आए एंड प्लस माइनस करके वन है क्वेश्चन में ही उसका आंसर है भाई फोर थ्री ट होता है एंड फोर में से अगर मैं थ्री माइनस कर दूं बच्चे तो वन आ जाता है ठीक है तो फैक्टर्स आ गए फोर और थ्री देखो जरा ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर अब हमें यहाँ चाहिए माइनस वन मतलब बड़े वाले के साथ तो माइनस का साइन ही आएगा अब छोटे वाले के साथ अगर मैं माइनस का साइन लगाऊंगी माइनस माइनस प्लस फोर सिक्स सेवन एट एट हो जाएगा हमें क्या चाहिए हमें चाहिए माइनस वन so, सो यहाँ पे प्लस रखेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस हो जब फोर एक्स में से थ्री एक्स माइनस करो तो हमारे पास वन आ जाए ठीक है समझ में आया आप देखो जरा इसमें क्या कॉमन है बेटा नंबर्स में तो थ्री फोर में कुछ कॉमन नहीं है सो so, हमारे पास सिर्फ एक्स कॉमन है यहाँ तो ये क्या आ जाएगा थ्री और एक एक्स चला गया थ्री एक्स माइनस इसमें से अगेन एक्स चला गया बचा फोर अब इसमें से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है साइन भी एज इट इज चाहिए तो प्लस वन हम कॉमन ले लेंगे ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर अगेन यहाँ पे ब्रैकेट सेम हो गए तो थ्री एक्स माइनस फोर हमारा कॉमन आ गया एंड एक्स प्लस वन आ गया सो so ये दो आ गए हमारे पास फैक्टर्स आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा सो सो क्वेश्चन फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट है अब हमें इसको फैक्टराइज करना है आपको अभी भी हमने पहले भी फैक्टराइज किया था अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है कि ये क्यूबिक है यहाँ पे आपको ये क्यूब दिख रहा है दैट मीन्स अब आपको क्यूबिक पॉलिनोम को क्या करना है भाई हमें इसको फैक्टराइज करना है ये तीन स्टेप्स में होगा पहला हम करेंगे हिटन टायल मतलब ये स्टेप सारे आपस में कनेक्टेड है ऐसा नहीं कि एक अलग अलग मेथड्स बता रही हूँ मैं पहले हिट एंड ट्रायल करेंगे वहां से एक फैक्टर मिलेगा फिर करेंगे हम डिवीजन वहां से हमें क्वाड्रेटिक कॉडिटिकॉइन मिलेगा एंड देन उस पर करेंगे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग, सो so, यहाँ पे इन तीन तरीकों से बेटा ये क्वेश्चन हमारा होगा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम डिवीजन मेथड तो कट गया है डिवीजन मेथड से कैसे कर सकते हैं बेटा सिलेबस जो रैशनलाइज सिलेबस है उसमें डिवीजन मेथड नहीं गया आपका रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम एक टॉपिक हुआ करता था वो डिडक्ट हुआ है डिवीजन मेथड आप यूज कर सकते हो स्टिल आई वुड से कि एक बार अपनी स्कूल टीचर से प्लीज कंफर्म कर लेना देखना वो स्कूल में किस मेथड से करा रहे हैं ठीक है चीके? चलो अभी के लिए हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं बट अगर काफी बच्चों को ये लगता है कि भाई अगे डिवीजन मेथड से हमारे स्कूल में कराने को मना किया है या हमें डिवीजन मेथड से नहीं करना डाउट लग रहा है आप लोगों को सो so, आप क्या कर सकते हो नीचे कमेंट में, में मेंशन करना अगर बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत लग रही होगी सो so हम इन क्वेश्चंस को दोबारा कर लेंगे दूसरे मेथड से ठीक है बट ट्रस्ट मी वो दूसरे मेथड से ज़्यादा इजी ये मेथड है इसमें लगता है स्टेप्स ज़्यादा है डिवीज़न मुश्किल होता है बट बहुत ईजी होता है बच्चे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं हिट एंड ट्रायल में क्या है बेटा पहले हम यहाँ पे वैल्यूज रख के देखेंगे जैसे आपने वन रख लिया माइनस वन रख लिया टू रख लिया माइनस टू रख लिया इतने में ही हमारा मोस्टली आ जाया करेगा इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं बट उसमें भी आपको ये सारा भी याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है सिंपल आपको बस ये ध्यान रखना है बच्चे कि इनमें से कोई वैल्यू रखोगे आपको मिल जाएगा चलो जैसे स्टार्ट करते हैं वन से स्टार्ट करते हैं सो ये हो जाएगा वन का क्यूब माइनस टू का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह वन प्लस टू ठीक है तो वन का क्यूब बेटा वन माइनस टू वन ज टू माइनस वन प्लस टू देखो जरा माइनस टू से प्लस टू गया वन से माइनस वन गया जीरो आ गया सो हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी कि ये जीरो आया बच्चे एक्स की वैल्यू जब हमने वन रखी तो हमारे पास पॉलिनोमियल जीरो हो गया सो so, अगर एक्स की वैल्यू वन रख के पॉलिनोमियल जीरो हुआ है दैट मीन्स बेटा अगर वन को उधर भेज दो एक्स माइनस वन इज फैक्टर ठीक है भाई तो पहले स्टेप में ही एक फैक्टर हमें मिल गया समझ में आया क्या किया बेटा जो वैल्यू रख के एक्स की जो वैल्यू रख के आंसर जीरो आया है वो हमने यहाँ लिख लिया कि x को वन रखा तो आंसर जीरो आया अब इस वन को उधर भेज दो दैट मीन्स x माइनस वन इज अ फैक्टर ठीक है ये फैक्टर थी और बेसिकली जिसमें हमने देखा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें a वैल्यू रख के आपका आंसर जीरो आया है मतलब आपने a वैल्यू रखी एंड आंसर आपका जीरो आ गया वहां से हम कहते हैं कि भाई x माइनस ए हमारा फैक्टर है तो यहाँ पे हमने देखा पोलिनोम में वन रख के हमारा आंसर जीरो आया तो हमारा एक्स माइनस वन फैक्टर हो गया ध्यान ज्यादा अच्छे से ऐसे रख लेना भाई एक्स इक्वल्स टू वन रख लेना कि ये रख के हमारा जीरो आया है वन उधर भेजा एक्स माइनस वन फैक्टर हो गया ठीक है चलो ये चीज समझ में आ गई दैट मीन्स पहला फैक्टर हमें मिल गया है और ये हिट एंड ट्रायल हमने कर लिया अब बारी आती है डिवीजन की तो भाई क्या डिवाइड करे किससे डिवाइड करे सो so, जो फैक्टर आया है बच्चे हमारे पास x माइनस वन इसको डिवाइड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे जो हमारे पास पॉलिनॉर्मियल दे रखा है एक्स क्यू पहले मैं लिख लूँ फिर समझाती हूँ माइनस टू एक्स स्क्वायर देन वी हैव माइनस एक्स प्लस टू ठीक है भाई अब आपको करना है डिवीज़न बेटा बहुत इजी अगर किसी ने भी आपको बोला है डिवीजन मुश्किल है तो उसकी बात बिल्कुल मत मानना ठीक है देखो सबसे पहले यहाँ का आपको पहला देखना है एक्स और इस पूरे में पहला देखना है अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस एक्स को आपको एक्स क्यूब बनाने तो एक्स में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ बेटा कि एक्स क्यूब आ जाए सिंपल सा है भाई x का मतलब एक एक्स है x क्यूब का मतलब x तीन है तो भैया एक x में अगर आप दो x मल्टीप्लाई कर दो मतलब स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो वह x क्यूब बन जाएगा सो वी हैव x को यहाँ से मेरे को पता चल गया कि स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो x को मैंने स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये आ गया x क्यूब देन माइनस वन को एक्सक्वायर से करोगे नंबर एक ही लेना ये नहीं देखना इसके आगे किससे होगा वो मैटर नहीं करता सिर्फ पहला पहला चेक करना है हमें अब माइनस वन को एक्स स्क्वायर से करोगे बेटा क्या मिलेगा हमें माइनस एक्स स्क्वायर वन इन टू एक्सक्वायर एक्स स्क्वायर एक माइनस प्लस माइनस ठीक है अब जैसे नॉर्मल डिवीजन में करते हैं क्या करते हैं यहाँ पे जो नंबर है उसको माइनस करते हैं और बाकी नीचे उतार देते हैं यहां भी ये करना है अब अगर इसको माइनस करना है तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे ये प्लस है माइनस हो गया माइनस है प्लस हो गया अभी प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया भाई इनको करो प्लस माइनस माइनस टू में से वन गया वन ये हो गया एक्स स्क्वायर और साइन किसका आएगा बड़े वाले का माइनस आ गया ठीक है बच्चे आगे देखो ये एज इट तो इज उतार लेंगे माइनस एक्स प्लस टू अब यहाँ पे एक्स को एक्स स्क्वायर बनाना है अगर आपको तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स से मल्टीप्लाई कर दो एक्स इन एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा लेकिन माइनस का चाहिए तो कोई बात नहीं माइनस का ले लो भाई अब एक्स को अगर हम minus X से करेंगे तो आपको minus X square मिलेगा अब आप को X से करेंगे एंड साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, गया ठीक है समझ में आ रहे है अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसके बाद भाई इसको नीचे ले आओ यहाँ पे साइन चेंज किया प्लस आ गया ये माइनस हो गया ये दोनों कैंसिल हो गए माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया साइन लगेगा माइनस का और साथ में प्लस टू ठीक है अब यहाँ पे एक्स को बेटा माइनस टू एक्स बनाना है तो मल्टीप्लाई किस से करेंगे माइनस टू से कर देंगे सिंपल एक्स को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू एक्स आ जाएगा अब माइनस वन को माइनस टू से करोगे टू वन ज टू एंड माइनस माइनस प्लस अब फिर से माइनस करना है साइन चेंज साइन चेंज कैंसिल कैंसिल जीरो आ गया हमारे पास तो रिमाइंडर जीरो आ गया ठीक है यहाँ तक समझ आ गया भाई पहला डिवीजन भी हो गया अब हिट एंड ट्रायल से हमें ये फैक्टर मिला था जिसको हमने यहाँ यूज किया एंड डिवीजन से बेटा हमें ये मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर आजा भाई ये कॉर्डरेटिक इक्वेशन को अब हमें क्या करना है मिडल टर्म फिल्ट करना है उससे हमें अपना बाकी के दो मिल जाएंगे फैक्टर्स सो वी हैव एक्स माइनस टू अब देखो टू वन ज टू टू के ऐसे फैक्टर्स बेटा कि मल्टीप्लाई करे तो टू आए प्लस माइनस करो तो वन आए सिंपल भाई टू वन ज टू होता है टू माइनस वन वन होता है दो और वन फैक्टर हो गए ये हो गया एक्स स्क्वायर एक फैक्टर है टू एक्स एक, एक, एक फैक्टर है वन एक्स माइनस टू साइन का देखो आप आंसर में मुझे माइनस चाहिए तो बड़े वाले के साथ तो माइनस का साइन हो गया अब अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाती हूँ तो क्या लगाना पड़ेगा प्लस लगाना पड़ेगा ताकि प्लस माइनस माइनस टू में से वन गया वन आ जाए ठीक है चलो अब तो वा, ये वाले तो आ गए होंगे आपको मिडिल आए थे सारे क्वेश्चंस में हम अब इसमें कॉमन देखो बेटा एक्स कॉमन है ये आ गया एक्स माइनस टू एंड इसमें देखो क्या कॉमन है हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस वन कॉमन ले लेंगे ये आ गया एक्स माइनस टू दोनों दो ब्रैकेट सेम हो गए एक फैक्टर हो गया एक्स प्लस वन एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस टू दो फैक्टर्स यहाँ से मिल गए बेटा और एक फैक्टर हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था एक्स माइनस वन सो एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन ये तीन हमारे फैक्टर्स हो गए ठीक है समझ में आ गया चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगेन सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव क्या करेंगे बेटा इसमें अगेन पहला स्टेप क्या है हिट एंड ट्रायल सो यहाँ पे इसकी वैल्यू वन रख के देखते हैं ये हो जाएगा वन का क्यूब माइनस थ्री वन का स्क्वायर माइनस नाइन वन माइनस फाइव सो यह आ गया वन का क्यूब वन माइनस थ्री वन सा थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव अब देखो जरा ये सारे माइनस के या प्लस हो जाएगा सो so, यहाँ पे आंसर तो जीरो आएगा नहीं माइनस वन रख के देखते हैं ये आ जाएगा माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन माइनस वन एंड माइनस फाइव

माइनस वन रखिए माइनस वन को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा प्लस वन एक्स प्लस तो पहला फैक्टर हमें मिल गया बेटा अब इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम डिवीजन करेंगे एक्स प्लस वन को बच्चे हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव ओके करें डिवीजन स्टार्ट एक्स को एक्स क्यूब बनाना है स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो सो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया देन वन को स्क्वायर से करोगे बेटा एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 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 अब देखो जरा डिवीजन करनी है साइन चेंज कर दो पहले तो दोनों प्लस के थे माइनस के हो गए ये तो कैंसिल हो गया यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस वन फोर सो ये आ गया फोर एक्स स्क्वायर लेकिन साइन बेटा माइनस का साइन का हमेशा ध्यान रखना है तो तो x x x x x बेटा को को बनाना है minus 4x2. तो को एक तो से से करना पड़ेगा तभी होगा so, करेंगे और नंबर क्या चाहिए माइनस फोर चाहिए तो चलो भाई माइनस फोर से कर दो अब यहाँ पे x को जब आप माइनस फोर एक्स से करोगे बेटा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर साथ में माइनस फोर है तो ये आ गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर अब प्लस वन को मल्टीप्लाई कर दो सेम ही आएगा भाई माइनस फोर एक्स आ गया यहाँ पे देखो फिर से साइन चेंज प्लस प्लस ये तो कैंसिल हो गया, प्लास, प्लास, तो गया। देखो माइनस प्लस माइनस नाइन में से फोर माइनस करेंगे फाइव एक्स आ गया हमारे पास साइन बड़े वाले का माइनस ये आ गया माइनस फाइव अब देखो जरा एक्स को माइनस फाइव एक्स बनाने भाई माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कर दो सो ये आ जाएगा एक्स इन माइनस फाइव बेटा माइनस फाइव एक्स एंड वन इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव साइन चेंज प्लस प्लस कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया जीरो रिमाइंडर आ गया ठीक है अच्छे से समझ में आ गया अब यहां से डिवीजन करके हमें क्या मिला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोम मिला अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे साइड ले चलते हैं एंड लेट्स टेक एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सॉरी माइनस फाइव ठीक है के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करे फाइव आए प्लस माइनस करे फोर आए कितना सिंपल है भाई फाइव प्राइम नंबर है फैक्टर्स क्या होंगे इसके वन और फाइव ही फैक्टर होगा फाइव इंटू वन करोगी बेटा तो फाइव आएगा फाइव माइनस वन करोगे तो फोर आएगा मिल गए फैक्टर्स तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एक फैक्टर मिला फाइव एक्स एक फैक्टर मिला वन एक्स और साथ में ही माइनस फाइव साइन देख लो यहाँ पे आंसर में माइनस फोर है तो दैट मीन्स माइनस का साइन बड़े वाले के साथ एंड उधर प्लस का लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं माइनस का लगाऊंगी तो माइनस माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा वो हमें इन्हें माइनस करना है इसलिए साइन वहाँ प्लस का लगा इसमें कॉमन क्या है बेटा एक्स ऐड ये हो गया x माइनस फाइव इधर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है प्लस वन कॉमन ले लिया इधर भी आ गया x माइनस फाइव क्योंकि हमें ब्रैकेट सेम बनाना होता है अगर यहाँ पे x प्लस फाइव होता तो हम माइनस वन कॉमन ले लेते वैसे यहाँ पे माइनस होना भी चाहिए उसके लिए बट समझ जाओ हमें मेन ध्यान नहीं रखना होता है कि ब्रैकेट में सेम करना है सो so, यहाँ से अभी क्या मिलेगा एक्स माइनस फाइव एक फैक्टर मिल गया और एक्स प्लस वन एक फैक्टर मिल गया एक फैक्टर हमने पहले ही निकाला था वो भी एक्स प्लस वन था तो ऐसे देख के घबरा नहीं जाना रे दोनों एक्स प्लस वन आगे मतलब गलत है ऐसा कुछ नहीं आपने तीन फैक्टर्स निकाल दिए तो ये आपका आंसर हो गया ठीक है चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चे थर्ड पार्ट है बेटा प्लस 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 एक्स एक्स ठीक है पहली चीज क्या करनी है हिट एंड ट्रायल तो वन से स्टार्ट करते हैं ये हो जाएगा वन का क्यूब प्लस थर्टीन वन का स्क्वायर प्लस थर्टी टू वन प्लस ट्वेंटी सो ये आगे बेटा वन का क्यूब वन प्लस थर्टीन प्लस थर्टी टू प्लस ट्वेंटी अब देखो भाई यहाँ पे दिख रहा है ये सारे प्लस होंगे तो तो आंसर जीरो हो ही नहीं सकता सो so, दैट एक नेगेटिव नंबर रख के देखना पड़ेगा सो माइनस वन देखते हैं ये हो जाएगा माइनस वन का क्यूब प्लस थर्टीन माइनस वन का स्क्वायर प्लस थर्टी टू इंटू माइनस वन प्लस ट्वेंटी सो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस थर्टीन माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो थर्टीन वन सा थर्टीन देन वी हैव थर्टी टू इंटू माइनस वन तो माइनस थर्टी टू एंड प्लस ट्वेंटी सो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये तो आ गया थर्टी थ्री एंड इसको प्लस करोगे ये माइनस का है इसको प्लस करो ये आ जाएगा फिर से थर्टी थ्री भाई कैंसिल हो गया आंसर आ गया ज़ीरो तो बेटा एक्स की क्या वैल्यू रख के आंसर जीरो आया है माइनस वन रख के तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन रखा तो पोरिनॉम्यूअल जीरो हो गया माइनस वन को उधर भेज दो दैट मीन्स एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ठीक है बेटा समझ में आ गया एक्स प्लस मिल गया हमें अब क्या करना है ट्रायल हो गया division करना है है जो मिला है, X plus one, इसको divide करेंगे किससे थोड़ा से इसको straight बना लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी ठीक है बच्चे स्टार्ट करें समझ में आ गया सो so, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं जी जी चलो जी, अब x को बनाना है किससे करेंगे X2 से कर देंगे भाई X3 into X2, sorry, x सॉरी बेटा हो जाएगा 1 को X2 से करोगे वन से करोगे एक्सक्वायर ही आएगा साइन चेंज हो जाएंगे ये हो गया माइनस ए भी हो गया माइनस ये तो हो गया कैंसिल यहाँ देखो थर्टीन में से वन गया ट्वेल्व एक्सक्वायर एंड हमारे पास बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा देन ऊपर वाले नीचे उतार दो प्लस थर्टी टू एक्स हो गया प्लस ट्वेंटी हो गया अब आगे वाला ध्यान दो एक्स को बनाना है बच्चे ट्वेल्व एक्स स्क्वायर तो एक्स को एक्सक्वायर बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नंबर क्या है ट्वेल्व सो so, से करेंगे अब एक्स को ट्वेल्व एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ट्वेल्व एक्स स्क्र आ जाएगा देन हमारे पास यहाँ पे प्लस वन है वन को ट्वेल्व एक्स से करोगे ट्वेल्व एक्स आएगा दोनों जगह प्लस का साइन है तो प्लस आएगा देन बेटा ये भी माइनस हो गया ये भी माइनस हो गया ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस माइनस इसको माइनस करो थर्टी टू में से ट्वेल्व माइनस करोगे ट्वेंटी एक्स आ गया प्लस ट्वेंटी आ गया ठीक है साइन प्लस के ही रहेंगे आप एक्स को ट्वेंटी एक्स बनाने के लिए सिंपल ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा ट्वेंटी एक्स एंड देन वन को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे सो so ये ट्वेंटी आ जाएगा साइन दोनों जगह प्लस का है अब यहाँ सब करना है साइन चेंज कैंसिल कैंसिल जीरो ठीक है चार पांच क्वेश्चन जब खुद कर लोगे ना तुम्हें डिवीजन बहुत इजी लगेगा ठीक है तो यहां से बच्चे हमें मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिख लेते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इधर वी हैव स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी ठीक है बेटा अब इसमें करना है मिडल टर्म स्प्रिट सो ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं हमें जिसको प्लस माइनस करके ट्वेल्व आए बहुत ईजी है भाई टू इंटू टेन ट्वेंटी होता है टेन टू सा ट्वेंटी होता है ना अब अगर टेन प्लस टू करेंगे तो ट्वेल्व आ जाएगा तो फैक्टर्स क्या आ गए एक टेन हो गया एक टू हो गया लिखेंगे कैसे एक्स स्क्वायर एज इट इज दो फैक्टर क्या मिले हैं टेन एक्स टू एक्स प्लस ट्वेंटी आंसर में प्लस चाहिए मुझे तो यहाँ प्लस रहेगा एंड हमें इनको ऐड ही करना है तो इधर भी प्लस लगा देंगे ताकि प्लस 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 हो गया ट्वेल्व एक्स बन जाएगा आप कॉमन देखो बेटा इसमें सिर्फ x कॉमन है तो ये आ गया x प्लस टेन इधर देखेंगे तो हमारे पास टू कॉमन है सो तो ये आ जाएगा x x x अगेन सो पे आ आ आ गया x 2, एक आ गया गया एक एक एंड बच्चे दो फैक्टर ये रहे एक फैक्टर हमने वहां निकाला था x प्लस वन सो ये तीन फैक्टर्स हमारे आंसर हो गए फैक्टराइज करना था तीन फैक्टर्स निकाल दिए ठीक है लास्ट पार्ट पे चलते हैं लास्ट पार्ट है बच्चे हमारे पास टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन सिर्फ x की जगह y आया है और कुछ ऐसा टेंशन कह रही ये कुछ अलग आ गया अभी भी एक ही वेरिएबल है पूरे उसमें जो x के साथ करते थे, y के साथ करेंगे जैसे हिट एंड ट्रायल में y की वैल्यू वन रख लेते हैं सो so, ये आ गया टू वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस वन सो ये आ गया वन प्लस वन टू प्लस वन माइनस टू वन टू माइनस वन कैंसिल हो गया टू से टू वन से वन तो ये वैल्यू रखी बेटा तो भेज दो y माइनस वन इज फैक्टर ठीक है बच्चे समझ में आ गया ये चीज तो पहला फैक्टर हमें मिल गया है बेटा एक्स क्या है सॉरी एक्स लिख दिया मैंने वाई है पहली बात तो Y minus तो इसको डिवाइड कर देंगे बेटा टू वाई क्यूब आगे है प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन ठीक है क्लियर डिवीजन स्टार्ट करें सो so, y को टू वाई क्यूब बनाने y को y क्यूब बनाने के लिए y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और आगे टू चाहिए तो टू लिख लेंगे सिंपल टू वाई स्क्वायर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे सो so वाई को इससे एक बार करके दिखाऊँ वाई को मल्टीप्लाई करना है टू वाई स्क्वायर से सो वाई वाई से मल्टीप्लाई होके okay, y वाई क्यूब बना लेगा टू वन सा टू हो जाएगा सो टू वाई क्यूब आ गया ना सो so ये हो जाएगा टू वाई क्यूब एंड देन प्लस प्लस तो नहीं यहाँ माइनस है भाई तो माइनस प्लस माइनस वन इंटू टू वाई करोगे तो ये वन इंटू टू वाई स्क्वायर करोगे तो माइनस टू वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया अब अपॉन में देखो इसको हटा देते हैं पहले देखो जरा यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे माइनस और ये हो गया प्लस इसको कैंसिल कर दो ये क्या हो जाएगा प्लस 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 इज एंड साइन बड़े वाले का प्लस ही है तो यही रहेगा देन यहां से उतार दो इसको माइनस टू वाई माइनस वन तो बच्चे ये क्या हो जाएगा वाई को थ्री वाई स्क्वायर है तो थ्री तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा y को वाई स्क्वायर बनाने के लिए y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो so, ये आ गया थ्री वाई अब देखो y को थ्री वाई से करोगे थ्री वाई स्क्वायर आ गया देन माइनस वन को जब थ्री वाई से करोगे तो माइनस थ्री वाई आ जाएगा एंड अब इसको सॉल्व करो ये हो गया माइनस साइन चेंज करे तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस प्लस हो गया कैंसिल ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस थ्री में से टू माइनस करेंगे वाई आ जाएगा बड़े वाले के साथ प्लस का साइन एंड साथ में माइनस वन है अब वाई को y ही बनाना है तो y वन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस वन लिख दो y इंटू वन वाई देन माइनस वन इंटू प्लस वन माइनस वन साइन चेंज हो जाएंगे ये कैंसिल हो गया ये आ गया जीरो रिमाइंडर ठीक है बेटा सो so, चलो इसको इधर कर लो सो so, यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई विच इज टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस वन ठीक है क्लियर यहाँ तक चलो ये क्या मेरे बालों ने कर दिया ठीक है चलो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इसको सॉल्व करना है मिलेटर्म स्प्लिट करना है टू वन जेड टू टू के बच्चे ऐसे फैक्टर्स के जिसको प्लस या माइनस करके थ्री है टू वन जा टू टू प्लस वन थ्री सिंपल तो फैक्टर्स क्या हो गए टू और वन so इसको एज इट इज लिखेंगे टू वाई एक फैक्टर टू वाई हो गया एक फैक्टर वाई हो गया अब देखो यहाँ मैंने साइन प्लस प्लस क्यों लगा दी भाई बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है एंड वैसे भी दोनों प्लस होने या माइनस की तो वैसी कोई बात नहीं है तो दोनों प्लस हो गए साथ में प्लस वन इसमें कॉमन क्या है बच्चे टू कॉमन है वाई कॉमन है सो so ये हमारा आ गया वाई प्लस वन एंड यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा सिर्फ वन तो ये आ जाएगा वाई प्लस वन दैट मीन्स फैक्टर्स मिले टू वाई प्लस वन एंड वाई प्लस वन और यहां से क्या लेके आए थे हम वाई माइनस वन सो यहां से मिला वाई माइनस वन तो बच्चे ये तीन हमारे फैक्टर्स हो गए आई होप दिस इज क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा विद दिस हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट एंड ये जो क्यूब वाले क्वेश्चन थे ये अच्छे से प्रैक्टिस करना जब आप डिवीजन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये बहुत ईजी और सिंपल लगेगा ठीक है सो विद दिस हमारी एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री होती है खत्म नाउ विल मूव टू टू पॉइंट फोर बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉर्स सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो लेन टेक केयर एंड बाय बाई